अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी यहाँ पे मैं बस तैयारी कर रही हूँ वापस जाने की। बैग में कपड़े वगैरह रख रहे हैं। अचानक से हमारा प्लान बना है। वैसे हमारा प्लान कल को वापस जाने का था, लेकिन बस कुछ वजह से बस जो काम थे वो नहीं कैंसिल हो गए थे। तो हमने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करें, चलते हैं अपने घर, और घर जाके भी कुछ जो काम वगैरह हैं वो घर देखें जाके। जाहिर है जाते साथ तो नहीं ना अब बंदा एकदम से सेट हो जाता, उसको 2-3 दिन लगे जाते हैं। फिर हस्बैंड के भी कुछ कॉलेज के काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो उनको जाना ही था जल्दी, तो इसीलिए बस हम लोगों ने कहा कि जल्दी से निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सूट भी दिखा रही हूँ जी। मैंने ये 2 न्यू सूट स्टिच करवाए हैं। आगे शादी आ रही है एक फैमिली में, तो मैंने सोचा कि मैं स्टिच करवा लेती हूँ, तो वहाँ पर मेरे यूज़ हो जाएंगे। तो एक ग्रीन कलर है, लीनन के सूट हैं ये। लीनन होता है वैसे रियल वर्ड, लेकिन हम लोग लीलन लीलन लगे रहते हैं। और एक ये रेड कलर का है, और ये रेड वाला ज़्यादा प्यारा है थोड़ा सा। तो ये 3 पीस ही है सूट, तो ये भी माशाल्लाह से प्यारे सिल गए हैं। दोनों सूट मैंने सिलवा लिए हैं, और जब पहनेंगे तो फिर देख लेंगे क्या हिसाब है। वैसे अच्छे सिले हुए हैं। तो खैर जी, फटाफट से पैकिंग करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी देर ना हो। लेकिन फिर भी हमें निकलते निकलते देर हो ही गई थी। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी जी ऑमलेट, अंडे बना रही थी प्याज वाले, और यहाँ पर प्याज और मिर्चें वगैरह डाली हुई थी इसके अंदर सारे, नमक और थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाल के। तो नमक इसमें बहुत लाइट सा ही रखा था, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं अब्बू, उनको भी देना था अंडा, तो उनके लिए नमक हम लोगों ने ज़रा लाइट सा रखना होता है। तो फिर पहले उनके लिए निकाल लेते हैं हम, तो फिर जिसने नमक डालना होता है वो डाल लेते हैं बाद में। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे, और पराठे भी 5-7 बन ही रहे थे सबके लिए। तो बस फटाफट से जी नाश्ता बनाया मैंने, और उसके बाद बस जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे वो किए, और उसके बाद जी बस रेडी हो गए। लेकिन निकलते वक्त ही बस एक दो काम पड़ गए उनको, भाई को काम पड़ गए, तो वो फिर चले गए। कुछ अब्बू ने डॉक्टर के पास जाना था, उनको लेके चले गए। तो बस इस तरह करते करते ना हम लोग को निकलते निकलते तकरीबन 3-3:30 बज ही गए थे। तकरीबन 3 बजे हम लोग निकले थे घर से, लेकिन ऐसा हुआ था कि बस हम लोगों ने गलती की, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए था। तो खैर नाश्ते के बाद हम लोगों ने निकलने से पहले ऐसे ही बाजी ने ना बस ये थोड़े से स्नैक्स मंगवा लिए थे, ये हम लोगों ने थोड़े से इन्जॉय किए। और उसके बाद जी बस फटाफट से गाड़ी में सामान रखा, और सामान भी जो है ना हमारी गाड़ी में पूरा ही नहीं आ रहा था, सामान इतना सारा हो गया था। पता नहीं ऐसे ही हो जाता है कि आते हुए ना सामान कम होता है, लेकिन जाते हुए सामान ना डबल हो जाता है। तो खैर किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर ही लिया था। हम 4 ही लोग थे, तो हमने कहा चले थोड़ा सा अपना सामान पीछे आगे सीट पे रख लेते हैं, तो किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करके बैठ ही जाएंगे। तो फिर खैर जी सामान वगैरह रखा, और सबसे मिलना जुलना किया, और बस यहाँ पर हम लोग चल पड़े हैं सफ़र के लिए। और तकरीबन 1-1.5 घंटा तो ना हमें शहर के अंदर ही लग गया था। कोई पेट्रोल डलवाना है, कोई बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है, कोई कुछ करना है कुछ करना है, तो करते कराते 1 घंटा यहीं गुजर गया था। और जब भी अब्दुलहत के टायर बूट के कहीं बैठ जाते थे ना, तो अब्दुलहत भाग के जाके ना ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता था, जैसे इसने ड्राइविंग करनी है। तो फटाफट से ना ये इस तरह से स्टेयरिंग पकड़ लेता है गाड़ी का, और बस कहता है कि छोड़ दो सब, बस अब मैं करूँगा जो भी करना है। तो खैर जी मोटरवे से पहले थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ से बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह भी ले ली थी, जो अबिया ने लेनी थी, और अब्दुलहत की कुछ पसंद की जो चीज़ें थी, और कुछ हमारे भी बीच में हो ही गए थे शश के चले हम भी अपना सफ़र इंजॉय कर लेंगे। तो बस ये चीज़ें वगैरह लेने के बाद बस हम यहाँ पे मोटरवे चढ़ चुके हैं, और बस यहाँ पे सफ़र शुरू हो चुका है, और बस चल सो चल काम है, और बस घर जाने की तैयारी है। तो खैर जी शुरू में तो सफ़र काफ़ी अच्छा हमारा गुजरता रहा, और बच्चों ने कुछ इंजॉय किया, और उसके बाद बस अब्दुल्हा ने भी थोड़े बहुत स्नैक्स अपने खाए, कुछ पोइम्स वगैरह देखी। एंड देन थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बस अब्दुल्हा, क्योंकि जल्दी हम सुबह उठ गए थे, अचानक से प्लान बना था, तो फिर फटाफट से उठ के हम लोगों ने पैकिंग की, और जब मैं उठती हूँ तो फिर फ़ौरन अब्दुल्हा भी उठ जाता होता है, तो ये तो थोड़ी देर बाद ही सो गया था। तो फिर कुछ हम लोगों ने भी अपने स्नैक्स इंजॉय कर लिए थे, और बस जी कुछ रास्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ज़्यादा सारा रास्ता ही हमारा गुजर गया था, कि दिन में जो हमारा सफ़र था वो आधे से भी ज़्यादा हो चुका था। लेकिन जैसे ही शाम होती गई ना, तो मौसम ना थोड़ा सा चेंज हो रहा था, और सर्दी एकदम से, हालांकि जब हम खाने वाले से चले थे तो मौसम ना बिल्कुल भी वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जैसे पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं कड़क धूप, और बिल्कुल भी सर्दी वाला मौसम नहीं था।
यहाँ पे अचानक से फोग शुरू हुई, और यहाँ पे जब हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया तो ये तो अच्छा ही हो गया कि हमने स्टे कर लिया। और यहाँ से हमारा कोई तकरीबन 50-60 किलोमीटर रह गया था, और ऐसे इतनी ज़्यादा फोग एकदम से स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे हमारे साथ एक सीन ये हुआ था कि हमारी ना चाबी नहीं मिल रही थी घर की, मेरे हस्बैंड ने कहीं रखी थी पॉकेट में लेकिन उनको मिल ही नहीं रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि कहीं रुक के ना हम देख लेते हैं कहीं की शायद हमें मिल जाए, लेकिन हमने सारे बैग्स वगैरह की सर्चिंग वगैरह, लेकिन ना हमें कुछ भी नहीं मिला। तो फिर खैर हम चल पड़े, कीज़ तो पड़ी हुई थी और भी कहीं पे, लेकिन ये है कि अगर मिल जाती तो अच्छा होता। तो यहाँ पे जनाब जब हम लोग चले तो ऐसे ही जी अचानक से सब कुछ ब्लैंक हो गया, बिल्कुल सब नज़र आना ही बंद हो गया। ऐसे बस हम लोग जा रहे थे, अल्लाह की सपूर्दी थे कि बस अल्लाह ताला यहाँ से जो दुआएं हम लोगों ने शुरू की कि या अल्लाह हमें खैर से पहुँचा दें किसी तरह से, या आपको कैटाइज नज़र आ रहे हैं ना, बस इसी के सहारे हम लोग चल रहे थे कि जैसे जैसे ये कैटाइज जा रहे हैं वैसे वैसे हम इस येलो लाइन के साथ 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 चल रहे थे। और कोई गाड़ी नज़र आ जाती थी तो फटाफट उसको पकड़ लेते थे, अगर वो निकल जाती थी तो फिर अपनी इन लाइन्स के साथ रहते थे। और खैर बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद हम लोग घर पहुँचे। जब हम लोग सिटी के अंदर आए हैं तब भी बहुत ज़्यादा मतलब रश था, और बहुत मुश्किल से हम लोग ना अपने घर की तरफ पहुँचे हैं जी। तो फाइनली वी आर एट होम, बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत सलालत के बाद हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और अब्दुल्ला ने तो आते ही ना अपना बस टीवी लगवा लिया है, और यहाँ पे यूट्यूब चल गई है, और ये अब्दुल्हद हैं। और जी हमारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इसको समेटेंगे, सुबह ही समेटेंगे। अब अभी तो इसके बाद हिम्मत नहीं है, बस खाना खा के सोने वाली करेंगे अब तो। और बस अब्दुल्हद अल्लाह करे जल्दी सो जाए, आज वैसे रास्ते में सोया रहा ये, तो देखते हैं अब कब सोता है। ये है जी किचन के हालात इस टाइम। थोड़ी बहुत डस्ट तो पूरे घर में ही आई हुई है, डस्टिंग वगैरह तो ज़ाहिर है करनी पड़ेगी सारी, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, घर तकरीबन साफ़ ही है। और जी मुझे किसी ने कहा था कि अपने होम टूर भी दे दें, तो आप अब देख सकते हैं, मेरा घर भी देख सकते हैं। ये एक रूम है जी, और दो सामने वाले रूम हैं। वो वाला जो रूम है वो खाली है, वहाँ पे ये जस्ट पेटियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ सामान है बस पड़ा हुआ, जो एक्स्ट्रा वगैरह सामान था, मतलब जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो सब पेटी के अंदर पड़े हुए हैं। और ये वाला जो रूम है हमारे यूज़ में है, जिसमें हम रहते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ इस रूम में होता है। अब्दुल हाथ के टॉयज आते ही शुरू हो गए हैं बिखरने। और इसके अलावा जी ये वाला है जी ड्राइंग रूम हमारा, जहाँ पे मेहमान वगैरह बैठते हैं, और ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। अभी ये कुछ सोफ़े वगैरह आगे आए हुए हैं, क्योंकि जब हम गए थे तो पेंट गीला था, तो फिर हमने इसको दीवार के साथ नहीं लगाया था, तो ये अब लगा देंगे दीवार के साथ भी। और यहाँ पे बस एक टेबल है जी, एक बड़ा सोफ़ा, बस ये एक रूम, और ये है एक रूम ड्राइंग रूम, और दो रूम वहाँ पे हैं, और एक मिडल में है रूम लिविंग रूम, जहाँ पे हमारा फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ है। ये किचन है, और यही है सारा घर। तो जिसने होम टूर का कहा था वो देख ले जी, साइड पे अगर कोई फालतू वालतू चीज़ आई है तो इसको इग्नोर कर देना। ये देखें जी, हम अभी यहाँ के बर्थडे पर आए नहीं थे, और जिस जिसने कहा था ना हम नहीं आए, ओहो ऑर्डर। ये देखें जी अबीहा की बर्थडे की बाकी डेकोरेशन जो बच गई है वो हमने देख ली है, अबीहा ने हमसे छुपाई नहीं, अबीहा हमने आपकी डेकोरेशन देख ली है, लेकिन आपने बाकी कहाँ की है अबीहा? वो सारी फट गई, हैंग दी। तो ये आप बलून जो बचे हुए हैं वो फुला रहे हो? अच्छा, ओए ओए ओए। अच्छा जी, तो खाने के लिए मैंने गाड़ी में ही ऑर्डर कर दिया था। एक्चुअली हम लोग जा ही रहे थे, हमने सोचा कि हम खुद ले लेंगे, लेकिन सिटी में इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल भी ना जा ही नहीं सके हम लोग। तो फिर हमने सोचा कि इससे पहले कि हम यहीं फंस जाएं हम घर चलते हैं, और मैंने फिर फटाफट वहीं पे ऑर्डर कर दिया बैठे बैठे। तो जब तक हम लोग घर गए और फ्रेश हुए तो खाना भी आ चुका था। तो फिर जी खाना शाना खाया और बस नीचे आए, तो ये मेरे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे जो के पहले के ही आए हुए थे कि मैं खाने वाले चली गई थी, तो फिर भाई ने रिसीव कर लिए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जी एक टॉवल है, जब बाल वगैरह बांधने होते हैं तो वो दूसरा टॉवल ज़रा यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, इसमें ज़रा इजीली बाल ना सेट हो जाते हैं। और ये है जी एक हैंड फ्री,
जो कि तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे मिली है। ये मैं कहीं ऑर्डर कर बैठी और बाद में मैंने देखा कि ये जी चाइना से आनी है, तो वो इतना ज़्यादा इसने टाइम लिया ना, पूरे 1.5 महीने बाद ये हैंड फ्री मेरे पास आई है। और अभी एक स्लीपर्स भी मैंने मंगवाए हुए हैं, लेकिन वो जल्दी ही पहुँच जाएँगे क्योंकि उसकी मुझे मेल आ गई थी, तो वो ज़रा इससे जल्दी ही आ गया, बल्कि बहुत जल्दी आ गया, 15 डेज़ में मुझे वो तकरीबन मिल जाएंगे। तो जी इसके बाद जी बस हम लोग अभी बैठे ही थे, तो मेरी सिस्टर काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने आना है, तो जैसे ही उसको पता चला कि मैं आ गई हूँ तो वो फ़ौरन ही आ गई। उसने अब्दुलहत के लिए गिफ्ट लिया हुआ था, बर्थडे गिफ्ट था अब्दुलहत का, क्योंकि उसने यहाँ पे होना नहीं है, जब अब्दुलहत की बर्थडे आने वाली है थोड़े दिनों में, तो वो कह रही थी कि मैं यहाँ पे होंगी नहीं, तो फिर मैं ना अभी से ही अब्दुलहत को गिफ्ट दे देती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सूट लेके आई थी, और साथ में ये जी एक बहुत प्यारी सी जीप टाइप, वो जो होता है ना टैंक टाइप, वो था। तो फिर जी मैंने उनके लिए चाय शाय बनाई, कि अभी घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो चाय बनाई, दूध पड़ा हुआ था और बिस्किट्स मैंने रखे हुए थे, तो बस फिर यही चाय वगैरह ही उनको मैंने पिलाई। मैंने कहा भाई अभी तो बस यही है, कि अभी भी हम घर ही आए हैं तो कुछ भी नहीं था घर में। तो खैर जी इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।